हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज हमारे यहाँ बारिश हो गई तो मेरे प्लांट कुछ खुश हुए, थोड़े से हरियाली हुई, वरना सारे झुके झुके से पत्ते हो रहे थे, बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी इनकी। तो आज अच्छे से मेरे प्लांट को खूब ढेर सारा पानी मिला है प्लांट को, और पूरी आखिरी जड़ तक पानी पहुँचा है इनका। तो मैं भी खुश हूँ, मेरे प्लांट भी खुश है, बारिश की कमी को पूरी तरह से पूरा कर दिया है, पानी की कमी पूरी हो गई और मेरे प्लांट बहुत अच्छे से अब हरे भरे हो गए हैं। वरना सनफ्लावर के तो पत्ते झुके झुके ही रह रहे थे, और मैंने थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई भी कर दी अपने गार्डन के, जो भी प्लांटर थे, जो भी मिट्टी थी उसकी हल्की हल्की गुड़ाई भी की है मैंने। और ये देखिए कितने अच्छे से खिल गया। ये तो खैर सही रहता था क्योंकि शेडी पे थोड़ा सा वो जा रहा था उसके लिए, मगर जो फ्रंट पे थे जैसे ये जीनिया वगैरह थे, ये सब बहुत बुरी तरह से सूखने लगे थे, हिबिस्केस और काफ़ी प्लांट मेरे सूख भी गए। एक ये मेरे देखिए, ये देखिए कितनी बुरी कंडीशन हो गई इसकी, गुलाब की केवल ब्रांचेज ऐसी रह गई हैं, खाली सारे पत्ते सूख गए थे। अब बारिश हुई है तो इसमें न्यू शूट्स निकलने लगेंगे तो अच्छे से चल जाएंगे। हिबिस्किस की भी कंडीशन ख़राब हुई थी, कई तो मर गए मेरे हिबिस्किस, मगर गुलाब की हालत बहुत ख़राब हो गई। मुझे बहुत दुख लग रहा था, रोना आ रहा था देख देख के कि मेरे सामने मेरी आंखों के प्लांट मर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे। पर अब बारिश हो गई तो अभी अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। जबकि ये 16 इंच के पॉट में लगी है तब ये कंडीशन है। एक्चुअली मैंने अपनी मिट्टी जो बनाई वो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है, उस मिट्टी का धान की भूसी काफ़ी मिलाई थी और सैंड मिलाई थी, तो जिसकी वजह से गर्मियों में मुझे परेशानी हो जाती है, मगर बारिश में मेरे प्लांट बहुत अच्छे से चलते रहते हैं, पानी पड़ता है और उसमें से तुरंत निकल जाता है, तो मेरे प्लांट फंगल इन्फेक्शन से नहीं मरते हैं, चलते रहते हैं। बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी मेरे सारे प्लांट्स की इसी वजह से, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है तो पानी रुकता ही नहीं था, सुबह डालो और शाम तक बिल्कुल ड्राई हो जाता था। और ये देखिए इसकी भी ब्रांचें रह गई हैं, एक दो ही पत्तियां रह गई हैं इसमें गुलाब में। ये मेरे चार पाँच साल पुराने प्लांट हैं। तो 2018 में मैंने गार्डन की शुरुआत की थी, जुलाई अगस्त में ही लेके आई थी मैं, तब से ये मेरे पास प्लांट हैं, अभी भी हैं, कोई भी ख़राब नहीं हुआ है। पर अब इस बार लग रहा था कि ड्राई होके मर जाएंगे मेरे प्लांट, मगर अब बारिश हो गई तो अब अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छे से बारिश हुई थी, रात में हुई होगी, हम लोगों को तो पता भी नहीं चला। वो सारे प्लांट देख रहे हैं बिल्कुल सूख गए हैं, अब मुझे इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी, सबकी जितने भी सूखे हुए प्लांट पत्ते हैं फूल हैं वो सबको हटाना पड़ेगा। पर बहुत ज़्यादा प्लांट हो रहे हैं, अब जितनी केयर कर सकती हूँ उतनी ही रखूँगी, बाकी मैं दे दूँगी किसी को भी। तो अभी भी आप लेके जा सकते हो गुलाब, और बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब होने लगी थी इनकी, कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो मेरा मन यही कर रहा है कि मैं किसी को दे दूँ, मेरा जो भूत है थोड़ा कम हो गया है। और फर्टिलाइज़र की भी थोड़ी सी समस्या हो रही है, इतना फर्टिलाइज़र लाना भी दिक्कत हो जाती है, तो वो भी मैं इसलिए और भी कम कर रही हूँ। थोड़े ही प्लांट रखूँगी, जितनी ज़रूरत होगी उतने ही रखूँगी, जितनी की मैं केयर कर पाऊँ उतने ही प्लांट रखूँगी। तो आप भी ये कीजिए, जितने की आप केयर कर सकें उतने ही प्लांट रखिए, अदरवाइज़ अब इतने प्लांट्स के लिए मुझे या तो कोई माली रखना पड़े, वो मैं कर नहीं सकती, खुद इतनी होती नहीं है, तो इसलिए मैं ये प्लांट दे दूँगी। अगर आप मेरे आसपास के एरिया में रहते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ से लेके जा सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाइएगा प्लांट। तो छोटा सा वीडियो इसीलिए मैं लेके आई थी कि आज बारिश की वजह से मेरे प्लांट खुश हो गए हैं, मैं भी खुश हो गई हूँ, और प्लांट अच्छे से पानी मिल गया है प्लांट्स को, वरना बेचारे के पैसे तीन दिन तक तो ऐसा हुआ कि पानी ही नहीं लग पाया, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी इनकी। ये वाटर लिली भी अब अच्छा हो गई है, हरी भरी देखिए, ठीक है, वहाँ भी एक दो फूल खिलने लगे हैं। अपराजिता भी अब थोड़ा सा सही हो गई, वरना उसमें फूल तो दूर खुद को सरवाइव करने की कंडीशन ही ख़त्म हो गई थी इसकी, ऐसा लग रहा है अब मरी तब मरी। बस चंपा ठीक से चल रही थी, बाकी सभी प्लांट की हालत ख़राब हो गई थी। और ये नींबू की पत्तियाँ भी श्रिंक हो गई थी, सुकड़ गई थी, तो बहुत बुरा लग रहा था देख के। और ये चांदनी भी मैं दे दूँगी, अगर किसी को चाहिए हो तो ले जाना आप यहाँ से, बिल्कुल अच्छा खासा प्लांट है, फ्लावरिंग बहुत कर रहा है, बस वही है
जैसे ये पानी नहीं मिल पाता है तो ये मुरझा जाती है, कोई भी प्लांट हो ही जाता है ख़राब। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक गार्डनिंग करते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको प्लांट चाहिए हो तो आप लेके जा सकते हैं घर से, और अपनी भी केयर कीजिए, अपनी केयर भी ज़रूरी होती है, लगातार प्लांट के पीछे पड़े रहना भी ठीक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ भी मिलते हैं, तब तक बाय बाय।